माननीय प्रधानमंत्री श्री नमस्कार। मैं विजय कुमार, MN कॉलेज विसनगर, गुजरात से बोल रहा हूँ। सर, जब से बजट आया है, मैं चारों ओर किसानों के बारे में जो योजना लागू की गई है उसकी चर्चा सुन रहा हूँ। वाकई में कोई सोच नहीं सकता कि किसानों के बारे में इतनी बड़ी योजना लागू की जाएगी। और सर, मैंने ये भी सुना है कि आपने पश्चिम बंगाल में यह कहा कि अगले 10 सालों में सरकार किसानों के लिए 7,50,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। सर, मेरा प्रश्न ये है कि सरकार इतने पैसे लाएगी कहाँ से? धन्यवाद। आप विरोध पक्ष की अखबार पढ़ते लगते हैं। खैर, आप मेरे गांव के पड़ोसी हैं। मेरा गांव वडनगर है, आप विसनगर के हैं, बिल्कुल बगल में ही हम दोनों का गांव है, वहीं से आप बोल रहे हैं। मुझे खुशी हुई कि मैं श्रीनगर से अपने गांव को भी याद ताज़ा कर रहा हूं अभी। ये बात सही है कि जिस इलाके से आप हैं वहां किसानों को बहुत दिक्कत है, पानी की बहुत किल्लत है, एक प्रकार से सूखा इलाका है, और वहीं से आप बोल रहे हैं क्योंकि मैं वहां से पैदा वहीं हुआ हूं, तो मुझे पता है बहुत दिक्कत वाली वो जगह है। देखिए, हमारे देश में संसाधनों की कोई कमी नहीं है। दुर्भाग्य यह है, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था, 1 रुपया निकलता है 15 पैसा पहुंचता है। अब फायदा यह है कि रुपया निकलता है पूरा 100 पैसा पहुंचता है। सबसे बड़ा कारण यह है। दूसरा, जब आप पाई पाई का सही उपयोग करते हैं तो जो टैक्स पेयर होते हैं उसको भी ईमानदारी से टैक्स पे करने का मन करता है, क्योंकि वो देखता है कि मेरे पैसों का सही उपयोग होता है। आप कल्पना कर सकते हैं, मैंने देश के लोगों को कहा कि आपको गैस की सब्सिडी की जरूरत नहीं तो छोड़ दीजिए ना, कोई कानून नहीं बनाया था, रिक्वेस्ट की थी, और मेरे देश के 1.25 करोड़ परिवारों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी। उसका परिणाम है कि 1.25 करोड़ गरीबों को गैस पहुंच गया। अब काम हो गया, इतनी ताकत है। मैंने अभी रेलवे में सीनियर सिटीजन को रेलवे टिकट में कंसेशन मिलता है, सब्सिडी मिलती है, तो ऐसे ही मैंने कहा फॉर्म में लिखो तो सही कि भाई मैं सब्सिडी सरेंडर करना चाहता हूं। कोई अपील नहीं की, मैंने कभी भी अपील नहीं की है, किसी अखबार में भी नहीं छपा है। अगर फॉर्म भर करके मैंने देखा, इस देश में 42 लाख ऐसे पैसेंजर निकले जिन्होंने सब्सिडी छोड़ दी, रेलवे को पूरा पैसा दिया, अपना हक छोड़ दिया। पैसे ऐसे आते हैं, अगर एक बार ईमानदार का माहौल बनता है तो लोग पैसे देने के लिए तैयार होते हैं। पैसों के कारण कोई रुकावट कभी नहीं आती है। आज हम अनुभव कर रहे हैं कि देश बहुत तेजी से $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ जा रहा है। और मैं आपको एक रहस्य बता दूं, ये आपके जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो कभी प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करते थे। पहले वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ काम करते थे, फिर मैं आया तो मैं भी उनको छोड़ नहीं रहा था। उन्होंने मुझे एक दिन बताया था कि साहब, आज आप भाषण करने जा रहे हो, आप बताओ हमारा देश $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। 2 साल पहले सुब्रमण्यम ने मुझे बताया था, वो विचार मेरे मन में रहा, और आज मैं देख रहा हूं कि हिंदुस्तान $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन के रहेगा, हमारी आंखों के सामने बन के रहेगा। और इसलिए पैसों की कोई कमी नहीं होती है, सही इस्तेमाल। और आपने सही कहा, आने वाले 10 साल में जो हमने जो कल योजना इस बजट में की है, किसानों को 10 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपया उनके जेब में जाएगा जी। वो किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने की ताकत वाला बन जाएगा, और मुझे विश्वास है कि इस योजना से देश का किसान एक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।